स्थान 12वीं कॉमर्स व साइंस के परिणाम की अधिक जानकारी हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बारहवीं कॉमर्स व साइंस के परिणाम एक दो दिन में वाणिज्य वर्ग में 48,113 और विज्ञान वर्ग में 2,34,523 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बारहवीं विज्ञान और वाणिज्य का परिणाम सोमवार या मंगलवार को घोषित किया जा सकता है। बोर्ड परिणाम की तैयारी में जुटा है, लेकिन अभी तक उसकी तिथि घोषित नहीं की है। बोर्ड पहले ही तय कर चुका है कि इस बार परिणाम के साथ मेरिट घोषित नहीं की जाएगी। सबसे पहले बोर्ड रिजल्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें www.hindi24.in। बोर्ड की बारहवीं विज्ञान व वाणिज्य के परिणामों की प्रदेश के करीब 3,00,000 विद्यार्थियों को इंतजार है। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर बीएल चौधरी ने बताया कि बोर्ड का प्रयास यही है कि विज्ञान और वाणिज्य के परिणाम एक साथ घोषित किए जाएं। परिणाम की तैयारी जारी है। सोमवार को बोर्ड परिणाम के बारे में अंतिम रूप से बता सकेगा। बोर्ड द्वारा 12वीं की परीक्षाएं 2 से 25 मार्च तक की गई थी। 8,00,000 से अधिक विद्यार्थी 12वीं परीक्षा के लिए इस वर्ष कुल 8,69,131 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिए 4,001 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। इसमें 12वीं कला वर्ग में 5,86,379, वाणिज्य वर्ग में 48,113 और विज्ञान वर्ग में 2,34,523 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए। बोर्ड अभी वाणिज्य और विज्ञान का परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रहा है। मेरिट नहीं, बोर्ड द्वारा पहली बार बिना मेरिट के परिणाम घोषित किया जाएगा। बोर्ड की परीक्षा समिति की अनुशंसा पर बोर्ड प्रबंध मंडल ने पिछले दिनों ही तय किया कि बोर्ड मेरिट जारी नहीं करेगा। प्रदेश और जिला स्तर पर किसी भी स्तर पर मेरिट जारी नहीं होगी। मंत्री देवनानी कर सकते हैं परिणाम घोषित। बोर्ड का पहला परिणाम शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी घोषित कर सकते हैं। पूर्व के वर्षों में भी बोर्ड के परिणाम देवनानी ने ही घोषित किए थे। बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले अधिकृत कार्यक्रम में ही इसका खुलासा होगा। बारहवीं विज्ञान व वाणिज्य का परिणाम 15 मई को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सेकेंडरी विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का परीक्षा परिणाम 15 मई को जारी किया जा सकता है। देश के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश एवं प्रवेश परीक्षा के मद्देनजर बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग का परिणाम 15 मई तक जारी करने की घोषणा की थी। बोर्ड प्रशासन ने इसी के अनुसार नतीजा जारी करने की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। हालांकि अंतिम समय में कोई तकनीकी समस्या आ गई तो परिणाम 16 मई को जारी कर दिया जाएगा। विज्ञान वर्ग में 2,34,523 और वाणिज्य वर्ग में 48,113 परीक्षार्थी बैठे थे। परीक्षा परिणाम राजस्थान पत्रिका की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग का परिणाम 15 मई को जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अड़चन आई तो परिणाम 16 मई को जारी हो जाएगा।